चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो आप स्क्रीन देख रहे हैं ना, इसको हम सेलर सेंट्रल की स्क्रीन कहते हैं। बेसिकली ये वो जगह है जहां पर रहते हुए अपने अपने अमेज़ॉन को ऑपरेट करना होता है अपने या फिर अपने क्लाइंट के। हमारा जो इन वीडियोस का फॉर्मेट हुआ करेगा ना, आपको महसूस भी नहीं होगा कि ये वर्चुअल असिस्टेंट के लिए है या फिर ये एक प्राइवेट लेबल लॉन्च करने के लिए है। बिकॉज मेरा मानना यह है कि अगर हम प्राइवेट लेबल की ट्रेनिंग करेंगे तो वर्चुअल असिस्टेंट उसके अंदर ही कवर हो जाता है। ठीक है, बेसिकली ये दोनों साथ साथ चीजें हैं। दोनों में फर्क ये है कि अगर आपकी पॉकेट में पैसे हैं तो आप इसी फार्मूलाज को अप्लाई करके अपना प्राइवेट लेबल लॉन्च कर लें। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप इन्ही स्किल्स को और नॉलेज को जो अभी आप इस कोर्स में सीखेंगे, आप दूसरों को अपनी सर्विसेज ऑफर करके पैसे अर्न कर सकते हैं। पैसे कितने अर्न करने हैं, कब अर्न करने हैं, इंशाल्लाह हम इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। इस टाइम हमारा फोकस पैसे नहीं होना चाहिए। आपको एक बात समझ लेनी चाहिए कि जेन में से फिलहाल अर्निंग को साइड पे रखें और पूरा फोकस स्किल सीखने पर लगाएं और टीचर की एक एक बात को सुने, क्योंकि अभी आपको बहुत सारी चीजें बोरिंग भी लग रही होंगी लेकिन कल को आपको याद आएगा, काश मैंने वो लेक्चर गौर से सुना होता। फिर आप रिकॉर्डिंग्स ढूंढेंगे, रिकॉर्डिंग्स पे जाएंगे, वो सारा काम होएगा लेकिन उस टाइम आपको काफी प्रॉब्लम्स आएंगी। आज पहले दिन से ही अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलेंगे तो हर लेक्चर इंशाल्लाह हमें फायदा देगा। और मजे की बात बताऊं, ऐसा हरगिज ये नहीं है कि इस कोर्स खत्म होने के बाद ही आपने क्लाइंट ढूंढने हैं। क्लाइंट इंशाल्लाह तीसरे या चौथे लेक्चर के बाद आप क्लाइंट्स पे भी काम करना शुरू कर देंगे। ये अब आपके स्किल्स हैं कि आप कितना अच्छा अपने आपकी स्किल्स हैं कि आप क्लाइंट को कन्विंस करते हैं। दूसरी बात, मेरा काम आपको मछली पकड़ना सिखाना है। पकड़ दिया आपने अपने हाथ से है, मैं भी आपको मछली पकड़ के दे सकता हूँ लेकिन उसका ना वो आपको मजा नहीं आएगा। मजा तब आता है जब आप खुद शिकार करते हो, वो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि यस ये क्लाइंट मैंने अपने स्किल की बेस पे हासिल किया है। और अगर आप जिंदगी में एक क्लाइंट हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं, लोगों को क्या होता है कि महीना लगता है, दो माह लगते हैं, तीन माह लगते हैं, चार माह लगते हैं, सब्र के साथ काम लेना है। लेकिन जिस दिन आपके पास पहला आ गया ना, उसके बाद मल्टीप्लाई करना आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, जितने लोग इस टाइम फ्रीलांसिंग पे काम कर रहे हैं और डिफरेंट वेबसाइट पे अपनी सर्विसेज को ऑफर कर रहे हैं, अगर आप गौर करें ना तो उन्हें सिर्फ पहला क्लाइंट मिलने में देर है, उसके बाद वो क्लाइंट आपस में मल्टीप्लाई होता है। और ये सिर्फ इस फील्ड में नहीं है, कोई भी आप फील्ड ले लें सब में ही ऐसा है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा आपने ना पेशेंस के साथ इस काम को करना है। क्यों, हर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी, डेली इंक्वायरीज आ रही होंगी। ऐसा नहीं कि लोग आपसे रब्ता नहीं करेंगे, लोग आपसे रब्ता भी करेंगे लेकिन आप अकेले वर्चुअल असिस्टेंट इस दुनिया में नहीं है। आपको दूसरों से बेहतर और डिफरेंट होना है। तो हम टॉपिक पे चलते हैं। इस टाइम बिल्कुल आपके सामने जो एक प्लेटफॉर्म नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं अमेज़न सेलर सेंट्रल। सेलर सेंट्रल को आज थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे तो आपको चीजें पता चलना शुरू हो जाएंगी। जो लोग तो वर्चुअल असिस्टेंट काम करते हैं उनको ज्यादातर क्लाइंट ये नहीं कहते कि मेरा अकाउंट भी साइन अप करके दो, मेरा ये भी करके दो। अगर कोई शख्स आपको कहता ना कि भाई मेरे साथ ए टू जी पे काम करो, लाइक मेरा अकाउंट भी बनाओ, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप ऐसे क्लाइंट के साथ काम ना करें। उसकी वजह यह है, वो भी बिगिनर होगा, उसको पता नहीं होगा कि एक वर्चुअल असिस्टेंट के साथ काम किस तरह किया जाता है। ये बड़ा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत अच्छी स्किल है और आप किसी को भी सर्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपने बहुत सारा देखा होगा कि बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट पाकिस्तान में वो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के साथ कंपैटिबल ही नहीं होते क्योंकि उनके ऑनर्स का मिजाज उनके साथ मैच नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई ऐसा क्लाइंट मिल जाता है जो कहता है भाई जीरो से स्टार्ट करो, रेंट तक मुझे लेके जाओ। अब आप उसे कहते हो कि भाई अच्छा ब्रांड रजिस्ट्री करवानी है, ट्रेडमार्क करना है, वो कहता पानो क्यों होता है, ट्रेडमार्क क्यों होता है, ब्रांड रजिस्ट्री क्यों होती, मैं तो नहीं करानी। अब आप उसके साथ जितना मर्जी सर खपा लें, आप एक नाकाम वर्चुअल असिस्टेंट ही होंगे उसकी नजर में, क्योंकि आप उसका पैसा लगवा रहे हैं। तो आपने किसी ऐसे बंदे के साथ काम करना है जिसको अमेज़ॉन की नाव हाव हो, जो ऑलरेडी काम कर रहा हो। आप उसको सर्विसेज दे सकते हैं, आप उसको सोर्सिंग करके दे सकते हैं, उसकी प्रोडक्ट लिस्ट लगा सकते हैं, अगर लिस्ट लगी हुई है तो लिस्ट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उसको रैंक कर सकते हैं पीपीसी के थ्रू। ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम सीखेंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ये है कि इस प्लेटफॉर्म को यूज करने के लिए आप अगर तो पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं तो नंबर वन, अगर आपका क्लाइंट आपको चाइल्ड अकाउंट एक्सेस देता है, चाइल्ड अकाउंट एक्सेस ऐसे ही होती है कि जैसे हमारे फेसबुक पेज पे आप किसी को मॉडरेटर बना देते हो, हम व्हाट्सएप ग्रुप में जिस तरह हमारे पास ऑप्शन होती है कि भाई ये एडमिन है, ये है, ये है, तो आप वो आपको एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए
अकाउंट की लिमिटेड एक्सेस दे देता है. फॉर एग्जाम्पल वो आपको कहता है कि भाई आप सिर्फ लिस्ट लगा सकते हो, इससे ज्यादा की एक्सेस आपके पास नहीं है. मीन्स कि जो भी आप उसे सर्विसेज दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग उसने आपको इस पूरे पैनल की जो कि आपके सामने इस टाइम खुला नजर आ रहा है, ये चीज आपने ख्याल रखनी है. आप फॉर एग्जाम्पल अगर आपको क्लाइंट चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस नहीं देता तो आपने कभी गलती नहीं करनी कि उसके लॉगिन पासवर्ड को पाकिस्तान में रहते हुए अपडेट करें. उसका अकाउंट फॉर श्योर सस्पेंड हो जाएगा और वो कल को आपको पूछेगा कि यार तुमने मेरा अकाउंट बंद करवा दिया. दूसरी, अब वो लोग हैं जो कि फॉर एग्जांपल स्पेन में बैठे हैं, इस टाइम हमारे पास इटली से भी लोग मौजूद हैं, ठीक है, और यूके से भी हैं, सऊदीया से भी हैं, इन लोगों के लिए ये मसाइल नहीं है. अगर आप लोग खुद अपना अकाउंट ऑपरेट करते हैं तो आपको सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि आपको वीपीएस ऑपरेट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. आप जस्ट अपना कंप्यूटर ओपन करें, क्रोम पे जाएं, sellercentral.com लिखें और वहां पर काम शुरू करें. चलें जी, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अकाउंट बनाया कैसे जाता है. 90% आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इस बात को जानने के लिए अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट हैं कि अमेज़न का अकाउंट कैसे बनाया जाता है. लेकिन चूंकि आप वर्चुअल असिस्टेंट हैं और मैं अज्यूम करता हूं कि हो सकता है आपको कोई ऐसा क्लाइंट भी मिल जाए जो कहे कि यार ये पकड़ो. फॉर एग्जाम्पल आपकी फैमिली में कोई होता है, कोई अंकल, कोई कजन, जिसको इस चीज के बारे में पता है लेकिन वो इनिशिएटिव लेते हुए थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे हैं, तो आप उनको हेल्प आउट कर सकते हो कि अकाउंट कैसे साइन अप किया जाता है. सबसे पहले ये सेटिंग्स का बटन है, यहां से हम आते हैं अकाउंट इन्फो पर. मैं इस टाइम आपको साइन अप करके नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको ये बताऊंगा कि साइन अप करने के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर होती हैं, ठीक है, वो कैसे होती हैं. चूंकि मैं ऑलरेडी ये अकाउंट एक साइन अप कर चुका हुआ हूँ, ये मेरे सामने एक अकाउंट है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको चाहिए होती है अपना अकाउंट साइन अप करने के लिए, अगर आपके पास कॉपी पेंसिल है तो ये चीजें नोट कर लें कि अगर कोई भी आपका इंटरव्यू ले रहा है और वो आपसे पूछता है कि अच्छा भाई मुझे ये तो बताओ अकाउंट साइन अप करने के लिए आपको क्या प्रोसीजर है अमेजोन का. और अच्छी बात बताऊं, यही प्रोसीजर दुनिया में जितनी भी अमेजोन की मार्केट्स हैं सब पर एप्लीकेबल है. चाहे आप सऊदीया से बनाएं, चाहे आप यूएई से बनाएं, चाहे यूके से बनाएं, चाहे यूएसए से बनाएं, इशू कहाँ आता है, इशू सिर्फ थोड़ी सी मेथडोलॉजी का फर्क आ जाता है. फॉर एग्जांपल जब वो आपसे आपकी आइडेंटिटी प्रूफ मांगेगा और अगर आप यूएस से बेस्ड हैं तो आपको वहां पर SSN देना पड़ेगा, सोशल सिक्योरिटी नंबर. अगर आप यूएई में बैठे हैं तो आपको अपना एमिरेट्स आईडी देना पड़ेगा. इसी तरह यूके, जापान, जिस भी मार्केट में आप जा रहे हैं आपने बेसिकली अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करनी है. और अमेज़न आपसे कोई ऐसी चीज नहीं मांगेगा जो कि आपको लगेगा कि भाई ये क्या मांग लिया, कुछ ऐसी चीज नहीं मांगेगा. सो नंबर वन, आपके पास लीगल आइडेंटिटी होनी चाहिए. इट कैन बी योर ड्राइविंग लाइसेंस, इट कैन बी योर आईडी कार्ड ऑफ दैट कंट्री, और इट कैन बी योर पासपोर्ट एज वेल. नंबर टू, आपके पास वहां पे एक ऐसा एड्रेस मौजूद होना चाहिए जिस पे पहले अमेज़न का अकाउंट ना बना हो. बहुत सारे लोग ऐसे एड्रेस मल्टीपल एड्रेसेस पे भी अकाउंट बना लेते हैं, बट इट डिपेंड्स. फॉर सेफ एंड मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, आपको एक यूनिक एड्रेस चाहिए जहां पर आप अकाउंट साइन अप कर सकें. नंबर थ्री, आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए जो अमेज़न आपसे पूछेगा, जहां पर वो आपसे रब्ता करेगा. नंबर फोर, आपके पास एक ईमेल एड्रेस होना चाहिए जहां पर वो आपसे कम्युनिकेट करेगा. और नंबर फाइव, आपके पास जो है आपकी बैंक डिटेल्स होनी चाहिए, ठीक है. बैंक डिटेल्स में दो चीजें वो आपसे मांगता है, एक डिपॉजिट मेथड कहता है और एक चार्ज मेथड कहता है. ये दोनों मेथड आपको यहाँ लिखे नजर आ रहे हैं. डिपॉजिट मेथड में आपने वो बैंक अकाउंट की डिटेल्स डालनी है जहां पर आप चाहते हैं कि अमेज़न, जो भी मैं अमेज़न पे कमाऊं, अमेज़न इस अकाउंट में डिपॉजिट कर दे. वो आप यहाँ पर अमेज़न के डिपॉजिट मेथड के अंदर जमा डिटेल्स डाल देते हैं अपने बैंक की, और पैसे उस बैंक अकाउंट के अंदर आना शुरू हो जाते हैं. चार्ज मेथड के अंदर आपने अपना क्रेडिट कार्ड एंटर करना होता है, ऐसा क्रेडिट कार्ड जो कि अमेज़न एक्सेप्ट कर रहा है. बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर पियोनीर को अमेज़न एक्सेप्ट कर लेता है, अमेज़न पियोनीर को नहीं एक्सेप्ट करता, ठीक है, और आपको हर कंट्री के मुताबिक चलना पड़ता है. अब मैं यहाँ पर आपसे बिल्कुल वो बातें नहीं करूंगा, मैं आपको वो बिल्कुल तोते की तरह बच्चों की तरह नहीं पढ़ाऊंगा. माशाल्लाह आप सब लोग समझ जा रहे हैं, पीछे एक एजुकेशन है. जहां पर अड़े गूगल पे लिखें कि वट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूके अकाउंट साइन अप. अव्वल तो अमेज़न पे जब आप डाटा एंटर करते हैं तो अमेज़न खुद ही आपको बता देता है कि ये चार्ज मेथड एक्सेप्टेबल नहीं है. कोई प्रॉब्लम हो आप मेरे से भी पूछ सकते हो, मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर कर दूंगा. चार्ज मेथड में आपने अपना क्रेडिट कार्ड एंटर करना होता है. बेसिकली ये वो एक मेथड है जिसमें से अमेज़न आपसे चार्ज करेगा, क्योंकि अमेज़न पे एक सब्सक्रिप्शन फीस होती है. कितनी होती है वो मैं इसके बाद आपको बताऊंगा. ये जो मैं आपको साइन अप मेथड बता रहा हूँ ना, ये एक यूनिवर्सल साइन अप मेथड है.
अमेजोन पे कितनी टाइप्स के अकाउंट बनते हैं वो इसके बाद मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। चार्ज मेथड में आपने अपना क्रेडिट कार्ड डाल दिया, जहां से अमेजोन आपसे आपके चार्जेस डिडक्ट करता रहता है। वैसे तो इसकी नौबत ही नहीं आती, क्योंकि जब आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है तो अमेजोन उसी अर्निंग में से ही अपने पैसे निकाल के आपको पे बैक करता है। चार्ज मेथड यूजली यूजलेस पड़ा रहता है, लेकिन ये जरूरी है।